नई दिल्ली से झांसी के बीच ट्रेनों में देर रात शातिर अपराधी यात्रियों से लूटपाट कर घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। ऐसी ही एक शातिर गैंग को आरपीएफ ने जीआरपी आगरा के सहयोग से धर दबोचा है। आगरा में आरपीएफ ने 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करके बड़ी सफलता पाई है। आरपीएफ टीम ने आगरा, ग्वालियर, झांसी और अन्य जगहों पर इन शातिर चोरों की गहन तलाशी की थी। झांसी आरपीएफ, आगरा आरपीएफ, जीआरपी सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई से शातिर चोर गैंग को दबोचा गया। गैंग के पास से 27 लाख के मोबाइल चोरी करने का आरोप है। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में रहकर यह घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गैंग के सदस्य रात में ट्रेन की रेकी करके घटना की तैयारी करते थे और निर्धारित समय और स्थान पर घटना को अंजाम देकर ट्रेन से माल को बाहर फेंक दिया करते थे। गैंग के आधे सदस्य ट्रेन के अंदर और आधे बाहर रहकर चोरी करते थे। सभी शातिरों के खिलाफ पहले से ही रेलवे में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। शातिर गैंग ने 23 जुलाई को जीटी एक्सप्रेस के लगेज को उड़ाया था, जिसकी कीमत 27 लाख। बेसिकली यही रहता है कि ये ट्रेन में रिजर्वेशन करा के ट्रेन के अंदर घुसते हैं और नॉर्मल पैसेंजर की तरह जर्नी करते हैं, लेकिन नाइट आवर्स में खास तौर पे और ऐसे जगहों पे सबवे स्टेशन, जो छोटे स्टेशन हैं जहाँ पे ट्रेन किसी वजह से टेक्निकल चीज़ों की वजह से रुक गई है, जैसे कि सिग्नल नहीं है, जैसे कि कोई और कारण है, या फिर ACP करके है, तो चैन की पुलिंग करके, इन सब चीज़ों के माध्यम से ये ट्रेन को रोक लेते हैं वहाँ पे, या रुकी ट्रेन में अपराध को घटित करते हैं। और एक टीम तो इनकी ट्रेन के अंदर रहती है, जो दूसरी टीम रहती है वो ट्रेन के बाहर रहती है, जो सामान गिरने के बाद उस सामान को तुरंत लोड करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करती है।